एक बार फिर फ्लॉप होने के बाद रो पड़े विराट कोहली, फिर राहुल द्रविड़ ने किया ऐसा। जी दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भी विराट कोहली फ्लॉप साबित हुए, जिसके बाद उन्हें ड्रेसिंग रूम में काफी भावुक देखा गया। तो कोच राहुल द्रविड़ ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। वही कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर ने भी कोहली पर चौंकाने वाला बयान दिया। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी विराट कोहली को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, बारिश के वजह से ये मैच देरी से शुरू हुई। 8 बजे शुरू होने वाला मैच 9:15 को शुरू हुआ। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि रोहित ने कहा कि उन्हें पहले बल्लेबाजी ही करनी थी। हालांकि एक बार फिर बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। एक बार फिर विराट कोहली फ्लॉप साबित हुए। दूसरे ओवर में रीस टॉपली ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर चलता किया। कोहली ने 9 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत भी छठे ओवर में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन एक छोर से कप्तान रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। वहीं उन्हें सूर्या कुमार यादव का भी अच्छा साथ मिला। सूर्या ने भी आते ही बाउंड्री लगाई। दोनों अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छी लय में दिख रहे थे। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 65 रन था, लेकिन उसके बाद बारिश आ गई और मैच रुक गया। वही दोस्तों, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर निराश किया। कोहली ओपनिंग करने उतरे और महज 9 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने एक छक्का लगाकर फैंस को खुश किया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। विराट कोहली के आउट होते ही करोड़ों फैंस के चेहरे पर मायूसी छा गई। खुद कोहली भी अपने विकेट से निराश नजर आए। वो ड्रेसिंग रूम के बाहर मुंह लटकाए बैठे थे। उन्हें निराश देख कोच राहुल द्रविड़ तुरंत सीढ़ियां चढ़कर उनके पास पहुंचे। द्रविड़ ने जाते ही उनके पैर पर हाथ रखा और उनका हौसला बढ़ाया। द्रविड़ के इस जेस्चर ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। एक स्टार खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनका कोच बुरे वक्त में उनका हौसला बढ़ाए। वही कोहली के बाजू में जसप्रीत बुमराह भी बैठे थे। वो भी उनसे बात कर उन्हें कंसोल करते हुए दिखे। दोस्तों, इसकी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही दोस्तों, इसे जब स्क्रीन में दिखाया गया तब गौतम गंभीर कॉमेंट्री कर रहे थे, जो आगे जाकर भारतीय टीम का कोच बनने वाले हैं। गंभीर ने कहा, विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी को ऐसा देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना अच्छा आईपीएल सीजन जाने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि कोहली वर्ल्ड कप में इतना खराब प्रदर्शन करेंगे। वही जो राहुल द्रविड़ ने किया वो सही था। द्रविड़ भी जानते हैं कि विराट फिलहाल अपने प्रदर्शन से काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। मुझे लगता है ओपनिंग करना गलत फैसला था। विराट को 1 डाउन ही उतरना चाहिए था। उनका गेम है 1 डाउन आकर मैच को चलाना, और ये वो सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो काफी एग्रेसिव बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी गेम नहीं है। हालांकि मुझे यकीन है विराट जल्द वापसी करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी गौतम गंभीर की बात से सहमत हो? क्या विराट कोहली को 1 डाउन आना चाहिए? अपनी राय कमेंट जरूर करें। रोते हुए अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने आए विराट कोहली, खुद राशिद खान ने किया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह हारने के बाद अफगानिस्तान का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे, जिसके बाद विराट कोहली उनके ड्रेसिंग रूम में आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरी अफगानिस्तान की टीम मोटिवेट हो जाती है। खुद राशिद खान ने इस पर खुलासा करते हुए बड़ा बयान दिया। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही T20 वर्ल्ड कप के मैचेस लाइव फ्री में देखना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास तो रचा, लेकिन सेमीफाइनल में जिस तरह का प्रदर्शन दिखना चाहिए था वैसा उनके बल्लेबाजों से देखने को नहीं मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में उनके बल्लेबाजों का टोटल सरेंडर देखने को मिला। यानसन रबाड़ा और नोकिया की तिकड़ी की आग उगलती गेंदों के सामने अफगानिस्तान के टॉप के बल्लेबाजों का खेल सिर्फ 29 गेंदों में ही खत्म हो गया, जबकि नीचे के बल्लेबाजों पर शमसी का जादू चलता दिखा। अफगानिस्तान सिर्फ 56 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 57 रनों के लक्ष्य को साउथ अफ्रीका ने एक विकेट खोकर 8.5 गेंदों में हासिल कर लिया। वही दोस्तों, इस हार के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के आंसू नहीं रुके, जिसके बाद
विराट कोहली ने उनके लिए कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, इस हार के बाद अफगानिस्तान का दिल पूरी तरह से टूट गया था, उनका ट्रॉफी जीतने का सपना सपना ही रह गया। इस हार से उनके आंखों में आंसू आ गए थे, राशिद खान तो मैदान में ही इमोशनल हो गए थे। जिसके बाद उनके आईपीएल पार्टनर डेविड मिलर ने जब ये देखा तो वो सीधे जाकर राशिद खान को गले लगाकर उन्हें दिलासा देते हुए दिखाई दिए। मिलर के इस जेस्चर ने सभी का दिल जीत लिया। वही इसके बाद जब सभी अफगानिस्तान के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में आए तब भी सभी के चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज मिला जहां उनसे बात करने के लिए विराट कोहली उनके ड्रेसिंग रूम में आए। बता दें कि कोहली ने टीम के साथ गुयाना के लिए ट्रेवल नहीं किया, वो आज गुयाना जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले वो अफगानिस्तान की टीम से मिलते हैं और उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और कहा कि बड़ी बड़ी टीमों को हराकर सेमीफाइनल में आना कोई छोटी बात नहीं है, ये भी एक सफलता ही है। विराट ने सभी अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को दिलासा दिया, इस जेस्चर ने सभी का दिल जीत लिया। वही खुद राशिद खान ने इस पर बात करते हुए कहा, ये हार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इस हार से हम उतना निराश नहीं है बल्कि जिस तरह से हारे उससे निराश है। हमने साउथ अफ्रीका को जैसे फाइनल गिफ्ट में दे दिया, हमारी बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही, हमने लड़ाई ही नहीं लड़ी, इस वजह से हम सभी बहुत ज्यादा निराश थे। लेकिन मैं विराट भाई को थैंक यू कहना चाहूंगा, वो हमारे ड्रेसिंग रूम में आए और हमें मोटिवेट किया। राशिद ने आगे कहा, वो गुयाना के लिए निकलने वाले थे, उनकी एक घंटे में फ्लाइट थी, इसके बावजूद वो हमसे मिलने आए, ये दिखाता है कि क्यों लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं। उन्होंने हमें काफी ज्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि ये बस शुरुआत है, अफगानिस्तान आगे जाकर बहुत कमाल करेगी। कोहली जैसे महान खिलाड़ी से ऐसा तारीफ सुन काफी अच्छा लगा, उनकी वजह से अब सभी खिलाड़ियों का मूड थोड़ा ठीक है। विराट भाई ने बताया कि 2023 के फाइनल में मिली हार से वो भी काफी टूट गए थे, इसलिए उन्हें पता था कि हम पर अब क्या गुजर रही है, इसलिए वो हमसे मिलने आए। एक बार फिर मैं विराट भाई को थैंक यू कहना चाहूंगा। दोस्तों, विराट कोहली ने अफगानी खिलाड़ियों के लिए ऐसा कर सभी का दिल जीत लिया, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। वही अब खुद विराट कोहली ने इस पर बड़ा बयान दिया है और बताया है कि आखिरकार क्यों वो अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गए थे और उन्होंने क्या कहा था अफगान खिलाड़ियों से। दोस्तों, विराट कोहली ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके लिए हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। राशिद हमेशा से गेंदबाजी तो अच्छे करते ही है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में राशिद ने जो कप्तानी अफगानिस्तान के लिए की उसने मेरा दिल जीत लिया। राशिद पूरी टीम को एक साथ लेकर चले और पूरी टीम को अच्छे से चलाया, जो कि इतना आसान काम नहीं होता है। आगे विराट कोहली ने कहा कि मैं अफगानिस्तान का दुख समझ सकता हूँ कि वो इस समय किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम भी दो है 23 में फाइनल हार गए थे तो मुझे पता कि क्या बीतता है। हार के बाद में जब आप अच्छा प्रदर्शन करके यहां तक आते हो और ट्रॉफी से चूक जाते हो। अफगानिस्तान के खिलाड़ी काफी भावुक हो चुके थे और वो रो रहे थे, इसलिए मैं अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गया। मेरी एक घंटे बाद में गुयाना के लिए फ्लाइट थी, लेकिन मैंने सोचा फ्लाइट में टाइम है तो मैं एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते अफगानिस्तान की टीम से मिल लेता हूँ। जिसके बाद मैंने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को कंसोल किया। मैं जब अफगानिस्तान से मिला तो उन्हें अच्छा भी लगा। तो दोस्तों, कोहली ने बता दिया है कि आखिरकार क्यों वो अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गए थे। कोहली ने ऐसा करके दिल सभी का जीत लिया है। लेकिन आपकी कोहली के इस गेस्चर पर क्या राय है कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।